जो दवाई लेकर आए थे उसमें बच गई थी, इसमें ये इली की दवाई बहुत ज्यादा तेज है, सांस लेने में ही सर बिराने लग जाता है। सभी प्याज के ढेर पे सबने बरसाती को एक साइड कर दिया है और अभी पापा मार्केट से बाजरा ले आए हैं, आए अब ढाली बना रहे हैं हम। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब चलते अपन खेत पे और दवाई का पंप लेके जा रहा हूँ मैं अपने प्याज खेत में दवाई छिंकेंगे, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले दवाई छिंकी थी अपने प्याज खेत में, इली की वजह से इली लग रही है प्याज में, वो नहीं मरी है, तो आज फिर से छिंकेंगे हम दवाई इली के लिए, नहीं तो हमारे प्याज खराब हो जाएंगे। और हम खेत पे गए थे, पापा ने बोला कि अपना पंप जो लेके गए थे हम घर से वो खराब निकला, खेत पे नहीं चला वो, तो हम लेने गए थे दूसरा पंप अपने खेत के पड़ोसी के भैया का, तो वही पंप लेके जा रहे हैं खेत पे, इससे दवाई छिंकेंगे हम। और हम लेके आए वो वाला ये पंप है और हमारा ये रखा हुआ है, ये चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ इसमें, चार्ज भी नहीं हो रहा है, लाइट भी नहीं इसमें, तो ये वाला इससे दवाई छिंकेंगे। और जो हम पंप लेके आए थे वो ख़राब निकला अंदर से, उसमें कचरे कचरा था, इसलिए पहले इसको अच्छे से धो लेते उसके बाद दवाई डालेंगे, नहीं तो प्रेशर नहीं देगा अगर कचरा रहेगा पंप में तो। जो दवाई लेकर आए थे उसमें बच गई थी, इसमें दो पंप दवाई डालेंगे हम, ये इली की दवाई बहुत ज़्यादा तेज है, सांस लेने में ही सर बिराने लग जाता है, इतनी ज़ोर से बदबू आती है इसमें। एक ढक्कन दवाई कूड़ेंगे पंप में, इतनी ज़्यादा तेज दवाई, ये क्या ही बताएं। मैं दवाई डाल के पंप को रेडी कर दिया है हमने, अब जा रहे हैं पापा छिनकने के लिए, इनको थुकवा देता हूँ मैं। पीने के लिए पानी केन और बाल्टी भर ली मैंने ट्यूबवेल चालू करके, इनको छांव में रख लेता हूँ मैं। और जहाँ पर हमने प्याज को इकट्ठा कर रखा है वहीं पे गए पापा दवाई छिनकने के लिए, जहाँ पर प्याज इकट्ठे हो रहे उसमें इली लग रही, उसमें दवाई छिनकेंगे पापा। और प्याज को हम बरसाती से ढक के गए थे कल बारिश की वजह से, आज धूप निकली है इसलिए हवा लगने के लिए हमने सब बरसाती को हटा दिया प्याज पे से, अब हवा लग जाएगी, इसको भी खोलेंगे हम थोड़ी सी और धूप निकल जाए, इसमें पानी घुस गया था कल तो ये खराब होने का डर है इसमें। और ये मिट्टी हटाएंगे साइड की और छिनक रहे पापा दवाई इन पे, क्योंकि जो इली लगी हुई है ऊपर अंदर जो प्याज इली खा रही है वो खत्म हो जाएगी। वैसे दो चीज़ से हमारा नुकसान हुआ, एक तो इली से हुआ, ऊपर से पानी से हुआ, दोनों ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया हमारा। सभी प्याज के ढेर पे सबने बरसाती को एक साइड कर दिया है, अब धूप लगेगी इनमें, अगर बरसाती कंटिन्यू ढकी रहती है ना तो भाप बनती है प्याज में तो और ज़्यादा ख़राब होते हैं, ऊपर से पानी चला गया भाप बंधेगी प्याज अंदर से ख़राब हो जाएगा, ऊपर से इली खा रही। बस हमें एक पंप दवाई छिनकनी थी और जिसका पंप था वो उसे ही देने जा रहा है फिर से हम, ये रखा पंप चलते देने। अब हमारे खेत के पड़ोसी का ही पंप था ये, जिनका पंप था उनके घर पे पहुंच चुका हूँ, उनको दे देता हूँ पंप, ये रख दिए इसलिए गया था तो पंप रखे हैं ने, बोल दीजो चलते अब। अभी हम मार्केट आ चुके हैं बंटी भैया की दुकान पर, क्योंकि तो पुरुषोत्तम भाई को तार सीमेंट सरिया दिलवाना है तो बंटी भैया से दिलवाएंगे हम, इनकी एक और दुकान है तार सीमेंट सरिया की, तो हमारे पेंटर साहब भी आ चुके हैं बाईपास पे, इनकी तार सरिया सीमेंट की दुकान, तो इसको पुरुषोत्तम भाई को तार सरिया सीमेंट दिला देते हैं अपन और पैसे फिर बाद में दे देंगे, एक दो महीने बाद पुरुषोत्तम भाई के पास जब आएंगे तब, तो इसको पूरा सामान मैं दिला दूंगा आप ये साथ लेकर आए हो। अभी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है क्योंकि इसका काम घर का कंटिन्यू चलेगा, इसने मुझे बताया नहीं और अकेले अकेले करने लग गए तो इसलिए इसको प्रॉब्लम आई थी, मुझे बता देता कभी प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए देखो खुश हो गया। दांत काट दे, मार्केट आए थे पुरुषोत्तम भाई के लिए बात करने, तार सीमेंट सरिया और बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मकान में चाहिए रहती है, उन सबकी बात कर ली मैंने और दो महीने की उधारी करवा दी, जो भी मदद बन रही है मेरे से वो करवा रहा हूँ पुरुषोत्तम भाई की, उसने बताया नहीं मुझे दो तीन दिन पहले, नहीं तो मैं उसकी हर एक हेल्प कर देता, और मुझे पता भी नहीं चला कि पुरुषोत्तम भाई के पास पैसे है या नहीं है, उसने अभी बताया कि पैसे नहीं है और सामान चाहिए मुझे, सामान दिला दिया उसको और शाम को आएगा वो तो शाम को लेके चला जाएगा, और इसके पहले भी दिलाया था मैंने और पुरुषोत्तम भाई का काम करा दिया मैंने तार सीमेंट सरिया का, और भी सामान चाहिए था वो दिलवा दिया है, शाम को लेकर आएगा ये पुरुषोत्तम भाई ट्रैक्टर और ट्रायली में, अभी हम जा रहे हैं खेत पे, थोड़ा बहुत काम है वहाँ पे। और खेत पे आए हुए हमें एक घंटा हो चुका था, अब जा रहे हैं हम घर पे खाना खाने के लिए, दोपहर की एक बज गई, भूख भी काफ़ी तेज लग रही, और घर पे आके देखा मैंने तो जेसीबी चल रही है अपने घर के बगल में, अपने दिनेश भैया है अपने भाई बहन, तो उनके मकान बन रहा है अपने घर के बगल में, हमारा रास्ता ब्लॉक हो चुका, देखो बोर का पेड़ खजूर का पेड़ दोनों कट चुके हैं, रास्ता बंद हो गया तो इसकी इधर से आना पड़ रहा है, और अपने घर के बगल में चल रही है तो रास्ता इधर से ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पर अच्छा हुआ पूरी साफ सफाई हो गई, कीचड़ था और बदबू आती थी इसलिए अब साफ सफाई हो जाएगी, बदबू भी नहीं आएगी, ये काम तो होता रहेगा। अब चलते अपन खाना खा लेते हैं, नहा धो के रेडी हो चुके हैं, फटाफट खाना खा लेते हैं, और खाना आ चुका अपना खाने में कड़ी और रोटी, खाना खा के मिलते हैं, खाना पीना हो चुका है कम्प्लीट, अब चलते हैं अपन
अपनी दीदी को डॉक्टर को यहाँ दिखा के आना है। सभी लोग चल रहे हैं, पापा और बुआ जी, तो उनके साथ मैं भी जा रहा हूँ। और गांव से हम 30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। और अभी हम डॉक्टर साहब के यहाँ आए थे, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, मीटिंग में है वो, तो वो कल मिलेंगे, तो कल ही आएंगे हम फिर से दिखाने। और अभी घर पे आ चुके हैं, अपने किंग बहादुर घोड़ा वहाँ पे रखा हुआ, उसे लेके आना है। और ये बहादुर घोड़े का बड़ा भाई यानी कि बूढ़ा भाई, इसे खेत पे लेके चलेंगे। और इसमें गिट्टी भर ली है हमने, ये देखो। और अपने बहादुर घोड़े को लेके आएंगे अपन, और यहाँ और निकाल के लेके चलेंगे, निकल जाएगा। बहादुर घोड़े को खेत पे लेके जाना है, रोटावेटर छोड़ के हमें फावड़ा फाड़ना है ढाली बनाने के लिए। जहाँ पे हमने रोटावेटर निकाला था उस जगह हम बाजरा बोएंगे, लेकिन उससे पहले ढाली बनाना पड़ेगा, उसके बाद बाजरा बोएंगे हम। लेने जा रहा हूँ अपने किंग बहादुर घोड़े को, इधर रख दिया था हमने, अपने घर के बाहर जगह नहीं थी इसलिए, वो काम चल रहा था जिसी भी का, वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे रख दिया था हमने। और हम जा रहे हैं बद्री भाई खेत पे, वहीं पे छोड़ा देंगे रोटावेटर को, तो वहीं से फावड़ा फान लेंगे। बद्री भाई के पास फावड़ा भी है। अपने बहादुर घोड़े को लेकर आ गए हम बद्री भाई खेत पर, और बद्री भाई खेत पे रोटावेटर रख देंगे हम, और यहीं पर फावड़ा रखा हुआ वहाँ पर वो फान देंगे अब ट्रैक्टर में अपने। और ये रखा है बद्री भाई का फावड़ा, ये फाड़ना है अपने ट्रैक्टर में। रोटर को छोड़ दिया हमने, रोटावेटर को एक साइड छोड़ दिया हमने, ताकि बद्री भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी बेसे बांधने में। फाड़ देंगे हम फावड़ा, ये रखा अपना फावड़ा, इसको तोक के और इधर रख देंगे हम, ज़्यादा वजन नहीं रहता वैसे फावड़े में। बद्री भाई ने तुकवा दिया हमारा फावड़ा, फावड़े में वजन नहीं होता इसलिए हाथ से तुक जाता है ये। रोटावेटर को छोड़ के हमने फावड़े को फाड़ लिया, इसे लेके चलते हैं अब खेत पे। अपने बहादुर घोड़े को मैं लेके चलूंगा, और पापा पीछे पीछे बाइक से आएंगे। बहादुर घोड़े को खेत पे ले आए हम, लेकिन अभी से और पापा दोनों जा रहे हैं बाजरा लेने के लिए, क्योंकि बाजरा फेंकेंगे हम पहले, उसके बाद हम ढाली बनाएंगे, फिर पानी निकालेंगे। पहले हम बाजरा खेत में फेंक देंगे, ऊपर से ढाली बनाएंगे, ताकि बाजरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा हमारा। और अभी पापा मार्केट से बाजरा ले आए हैं, अब खेत में फेंकेंगे इसमें जहाँ पे हमने रोटावेटर निकाला था, उसके बाद ढाली बनाएंगे। पहले खेत में फेंक देते, जो हम बाजरा लेके आए थे वो खेत में फेंक रहे हैं हाथ से ही, ऊपर से ढाली बनाएंगे, ये मिट्टी मिक्स हो जाएगा, फिर ढाली बनाएंगे तब फावड़े से। और इसी तरीके से पूरे खेत में फेंकेंगे हम, जितनी जगह हमने रोटावेटर निकाला था उतनी उतनी जगह हम फेंकेंगे हम। देखो काली काली जगह वहाँ तक दिख रही है आपको, और ये इधर तक, इसमें बाजरा फेंकेंगे हम। और पैकेट के पैकेट लेकर आए हैं हम बाजरे के, और जहाँ पर ख़त्म हो जाएगा वहीं पर लेके जाऊँगा मैं पैकेट, क्योंकि हम भूल नहीं जाए जगह इसलिए। अभी से एक और पुरुषोत्तम भाई को खड़ा कर रखा उधर, तो बैठा है पुरुषोत्तम भाई तो। और ये है पैकेट अपने बाजरे के, काटो 8-10 पैकेट लेकर आए हम बाजरे के। और हमने पूरे खेत में बाजरा फेंक दिया है, अब ढाली बनाएंगे। अब हम लेके चलते हैं अपने बहादुर घोड़े को खेत में ढाली बनाने के लिए। अपने किंग बहादुर घोड़े को खेत में ले आए, अब ढाली बना रहे हैं हम, अब इसमें कल पानी निकालेंगे, आज ढाली बना दे। इस तरीके से ढाली बनानी है हमें, ढाली अगर बिल्कुल प्लेन रहेगी बीच में तो पानी सही जाएगा, नहीं तो बीच बीच में पानी चला जाता है, साइड में कोनों रह जाती है, इसलिए फावड़े को सही चलाना पड़ता है। ढाली बना रहे थे तब फावड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, इसलिए प्लेन ढाली नहीं बन रही थी, उधर प्लेन नहीं बनी है, इधर सही बनी है। उसमें सेटिंग करना पड़ता है फावड़े में भी, तब जाके चलता है सही। अभी निकाल रहा है पापा कंटिन्यू। और अभी रात की 7:30 बज चुकी है, पापा लेके गए घर पे ट्रैक्टर को, बहादुर घोड़े को यानी कि। अब मैं जा रहा हूँ बाइक से। अभी रात की 9:30 बज चुकी है, अब खाना खा लेते हैं अपन, फिर से खेत पे चला गया था घर पे आकर मैं, अपनी मोटर चल रही थी वो देखने के लिए, चलते अब खाना खाने। और अभी अपना खाना आ चुका है, खाने में प्याज की सब्जी और रोटी, खाना खा के मिलते हैं। तो गाइस अभी रात की 10:30 बज चुकी है, और इस वीडियो का ही एंड करते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं खेत पे वीडियो एडिटिंग के लिए। दोपहर और सुबह हमें टाइम नहीं मिलता इसलिए, तो रात में करते हैं, रात में शांत माहौल रहता है, तो उस समय हमारी वॉइस ओवर नहीं हो पाती, और इस समय बिल्कुल शांत माहौल रहता है खेत पे, तो इस समय जाकर हम वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो बाय बाय, कल मिलते हैं।